सो हेलो गाइस, सॉल एंड सीरीज के एपिसोड 209 का पूरा वीडियो आ चुका है और इस वीडियो के जरिए हम एपिसोड 209 को हिंदी में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने इससे पहले एक नोवेल बेस्ड वीडियो बनाकर डाल दिया था, अगर जिन लोगों को वो वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो आप ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो ओरिजिनल फुटेज पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें स्टार द फॉरेस्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर तैंगसेंग और शावू दामिंग और अर्मिंग को ढूंढ रहे थे। बहुत देर होने और दामिंग और अर्मिंग के सही लोकेशन का पता ना चलने के कारण अब तैंगसेंग और शावू एक जगह रुक जाते हैं। इसके बाद तैंगसेंग शावू से कहता है कि जंगल के इस हिस्से में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे मौजूद है और मैं अपने ब्लू सिल्वर डोमेन की मदद से इस जंगल के अधिकतम हिस्सों पर छानबीन कर सकता हूँ। अब तो मेरा सोल पावर और मेंटल पावर भी रिकवर होकर बेस्ट कंडीशन पे पहुंच गया है। शावू, मैं ध्यान लगाकर उनके सही ठिकाने का पता लगाने की कोशिश करता हूँ, तुम बस इस वक्त मुझे प्रोटेक्ट करना। ऐसा कहकर तैंगसेंग ध्यान लगाने के लिए बैठ जाता है और अपना ब्लू सिल्वर डोमेन रिलीज कर देता है। इसके बाद तैंगसेंग अपने स्पिरिचुअल पावर को अपने डोमेन के साथ जोड़ लेता है और फिर पूरे जंगल की छानबीन करना शुरू कर देता है। दामिंग अर्मिंग को ढूंढने के दौरान तैंगसेंग को बहुत सारे पावरफुल सोल बीज भी दिखाई देते हैं। इसके बाद तैंगसेंग को कुछ सुराग मिलता है जो कि उत्तर दिशा की ओर इशारा कर रहा था। अब तैंगसेंग अपने पूरे मेंटल पावर का फोकस उत्तर दिशा की ओर कर देता है और अपने खोजने की क्षमता को और ज्यादा बढ़ा लेता है। अब जहाँ जहाँ पर दामिंग अर्मिंग का मार्शल सोल एम्पायर के सोल मास्टर के साथ लड़ाई हुआ था, उस जगह का भयानक दृश्य तैंगसेंग को दिखाई पड़ता है। इस लड़ाई के कारण बहुत सारे सोल बीस्ट मारे गए थे और जो बच गए थे वे अपनी अपनी जान बचाकर भाग निकले थे। अब जल्द ही तैंगसेंग को दामिंग और अर्मिंग के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है। ये देखकर शावू तैंगसेंग से तुरंत पूछती है कि क्या तुमने उन्हें ढूंढ लिया, अब उनकी हालत कैसी है। तैंगसेंग शावू को बताता है कि दामिंग और अर्मिंग की हालत अच्छी नहीं है, मेरे मेंटल पावर को पहले से ही उनके अप्रोक्स लोकेशन का पता चल चुका था, पर उनका पीछा करने वाले जरूर बेबी डोंग और बाकी सोल मास्टर होने चाहिए। तैंगसेंग की ये बात सुनकर शावू थोड़ा घबरा जाती है, पर अब तैंगसेंग शावू को जल्दी चलने को कहता है। वो शावू को लेकर उत्तर दिशा की ओर भागने लगता है और भागते भागते शावू को बताता है कि दामिंग और अर्मिंग के बॉडी का ऑरा स्थिर नहीं है, शायद वे गंभीर रूप से घायल है। ऐसी स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये लड़ाई एक या दो दिन पहले नहीं हुई थी। अब भागते भागते शावू तैंगसेंग से पीछे होते जा रही थी। ये देखकर तैंगसेंग उससे कहता है कि शावू, तुम घबराओ मत, सबसे पहले तुम विशफुल ट्रेजर पर्स में चली जाओ, क्योंकि मैं अब फुल स्पीड में भागूंगा और जितना जल्दी हो सके दामिंग और अर्मिंग को ढूंढूंगा। शावू तैंगसेंग की बात मान लेती है और फिर जल्दी से विशफुल ट्रेजर पर्स में चली जाती है। इसके बाद तैंगसेंग अपने 8 स्पाइडर लेग्स को बाहर निकाल लेता है और फिर फुल स्पीड में दामिंग अर्मिंग की ओर भागने लगता है। अब समय जल्दी जल्दी बीतता जा रहा था और सूरज भी ढलता जा रहा था। इसके बाद हमें जंगल में एक जगह दामिंग और अर्मिंग को तेजी से भागते हुए दिखाया जाता है और फिर उसका पीछा करते 6 ग्रैंड सोल एंड मास्टर्स को दिखाया जाता है, जिसमें से ब्लूफिश मास्टर बहुत ही अजीब तरह से भाग रहे थे। उसके मार्शल सोल ब्लूफिश को देखकर ऐसा लग रहा था मानो एक लाल रंग का बड़ा सा फुटबॉल हो और उन्हें वो लात मार कर लुढ़का रहा हो, लेकिन अब तुरंत ही दामिंग और अर्मिंग उन सबसे बचकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। अब भागते भागते दामिंग तुरंत मुड़ जाता है और अचानक से एक अटैक पीछा कर रहे 6 ग्रैंड सोल एंड मास्टर के ऊपर कर देता है। दामिंग का ये अटैक टाइम डिलाइंग अटैक होता है और जो भी उसके अटैक रेंज में आता है उसके लिए समय थम सा जाता है और उनकी बॉडी कुछ देर के लिए रुक जाता है। अब आखिरकार हमें उन 6 ग्रैंड सोल एंड मास्टर को दिखाया जाता है। इन ग्रैंड सोल एंड मास्टर्स में सेक्रेट ड्रैगन मास्टर, ब्लू फिश मास्टर, स्नेक लेंस मास्टर, ओल्ड घोस्ट मास्टर, क्राइसेंथेमम मास्टर और एक फायर एट्रीब्यूट की ईगल मास्टर थी, लेकिन अब टाइम डिलाइंग अटैक के कारण वे सभी जम गए थे और दामिंग और अर्मिंग को भाग निकलने का समय मिल गया था। इसके बाद अर्मिंग दामिंग से कहता है कि आपका टाइम स्लो करने वाला फील्ड उन्हें बस कुछ देर के लिए ही रोक सकता है। ग्रैंड सोल एंड मास्टर्स बहुत ही ज्यादा चालाक है और इन ग्रैंड सोल एंड मास्टर्स में वे लोग भी है जो कि अपने फ्यूजन टेक्निक बायोपोलर स्टैटिक फील्ड की मदद से हमारे खिलाफ टाइम स्टॉपर बना सकते हैं, जो कि हमारे लिए मुश्किलों का कारण बन सकता है।
और अगर हमने अचानक हमला करके उन्हें नहीं रोका तो वे हमें जल्दी पकड़ लेंगे। अब अर्मिंग अपने भाई दामिंग के पाइथन बॉडी में लगे गहरे चोटों को देखने लगता है। इसके बाद वे सभी ग्रैंड सोलन मास्टर्स एक एक करके टाइम डिलाइंग अटैक से छूटते जा रहे थे और फिर सीधा दामिंग अर्मिंग का पीछा करते जा रहे थे। अब दामिंग अर्मिंग को बताता है कि वे दोनों ग्रैंड सोलन मास्टर यानी कि ओल्ड घोस्ट मास्टर और क्राइसेंथिमा मास्टर वास्तव में बेरहम है, लेकिन उन सबसे ज्यादा भयानक वो बेबी डोंग है। उसके ताकत के सामने अगर हम दोनों मिलकर भी उससे सीधी लड़ाई लड़े तो भी हम उसके हमले को सहन नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर अब रेंगता हुआ दामिंग गिर जाता है। अब अपने बड़े भाई दामिंग को कमजोर होकर गिरा हुआ देखकर अर्मिंग तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और दामिंग के विशाल बुल हेड को उठाने लगता है। अपने छोटे भाई अर्मिंग को वापस आता देखकर दामिंग उससे कहता है कि लिटिल ब्रदर, मैं इस जहर के असर को और ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, तुम मेरी चिंता मत करो, यहाँ से अकेले भागो। अगर हम में से कोई एक भी बच गया तब हमारे पास बदला लेने का मौका होगा। इसके बावजूद अभी तक हमें किसी से कोई मदद मिलने का भी कोई संकेत नहीं मिला है, इसलिए तुम जल्दी से जाकर तैंगसेंग और साहू से मिलो। और जहाँ तक बात रही मार्शल्स और एम्पायर की, जो मेरा सोल रिंग और सोल बोन हासिल करना चाहते हैं, तो वे सच में बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर बैठे हैं। भले ही मैं खुद को मिटा दूंगा, लेकिन मैं उन्हें कोई भी फायदा उठाने का मौका नहीं दूंगा। अब दामिंग की बात सुनकर अर्मिंग उससे कहता है कि नहीं बिग ब्रदर, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतना कहकर अर्मिंग तुरंत अपने ग्रेविटी कंट्रोल फील्ड को रिलीज कर देता है और अपने सामने पहुंच चुके सभी 6 ग्रैंड सोलन मास्टर को अपने ग्रेविटी प्रेशर से दबाने लगता है। अब ये देखकर ग्रेविटी फील्ड में फंसा क्राइसेंथिमम मास्टर सभी से कहता है कि ये जाइंट टाइटन ऐप पहले से ही इतनी बुरी तरह घायल हो चुका है, लेकिन फिर भी उसमें लड़ने की ताकत बची है। स्टार द फॉरेस्ट का ये एम्परर और जाइंट टाइटन ऐप सच में महान है। अब अपने ग्रैंड सोलन मास्टर्स को मुसीबत में पड़ा देखकर बेबी डोंग भी वहां पहुंच जाती है और अपने डेथ डोमेन को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से अर्मिंग का ग्रेविटी फील्ड कमजोर हो जाता है। इसके बाद हमें बेबी डोंग के डेथ स्पाइडर एम्परर के भयानक बॉडी को दिखाया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था, पर अब तुरंत ही बेबी डोंग अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और फिर दामिंग और अर्मिंग को देखकर खुद से कहती है कि ये दोनों ग्रेट सॉल बीस्ट मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। उनके पास अभी भी जिंदा रहने की शक्ति है जो कि मेरे सोच से कहीं ज्यादा है। इतना गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी वे हमें पीछा करने से रोक पा रहे हैं ताकि वे जल्दी से बचकर भाग निकले। सच में इनके पास बहुत ज्यादा पावर है। इनकी सोल रिंग और सोल बोन सच में मेरे लिए बहुत कीमती होगी। जैसे ही मुझे ये मिलेगा वैसे ही मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना आखिरी चाल चलूंगी। बेबी डोंग ये सब सोच ही रही होती है तभी फायर ईगल मास्टर बेबी डोंग से कुछ कहने की कोशिश करती है। तभी बेबी डोंग उन सभी से कहती है कि इन दोनों सोल बीस्ट की एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी है, तो अब और ज्यादा समस्या ना हो इसलिए जल्दी से हमला करो और इन दो ग्रेट सोल बीस्ट को मार डालो। बेबी डोंग के ऑर्डर को सभी ग्रैंड सोलन मास्टर मान लेते हैं और यहीं इस वीडियो का आधा भाग खत्म हो जाता है। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ इसके अगले भाग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।